this question on heat of hydrogenation. इसमें हमको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कंपेयर करना था। ये क्वेश्चन नंबर 41 का सेकंड पार्ट। तो हम यहां पे कुछ चीजें देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या चीजें यहां स्टेबलाइजेशन दे रही हैं। पहला तो यहां रेजोनेंस है। यदि आप देखो तो ये बॉन्ड इधर से इधर मूव कर सकता है, ये बॉन्ड इधर से इधर मूव कर सकता है, यू मूवमेंट हो सकता है ऐसे। यदि आप नोट कर रहे हो तो इधर भी पी ऑर्बिटल है, एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इधर भी एक पी ऑर्बिटल है, इधर भी एक पी ऑर्बिटल है, इधर भी एक पी ऑर्बिटल है। तो कंटिन्यूटी में डबल बॉन्ड है, डबल सिंगल डबल, तो ये रेजोनेंस की कंडीशन होगी। प्लस अब मेरे को अल्फा हाइड्रोजन देखने पड़ेंगे। तो इस पे अल्फा यदि हाइड्रोजन देखूं, ये वाले पे, तो इस पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, क्योंकि तो चार बॉन्ड यहाँ पे बने हुए हैं और वैसे भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। इस पे यदि हाइड्रोजन जुड़ा भी होता तो ये कोई काम का नहीं था, क्योंकि वो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्ट नहीं लेता। हाइपर कॉन्जुगेशन में वो अल्फा हाइड्रोजन पार्ट लेगा जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब अल्फा हाइड्रोजन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप इसको एक बॉक्स बना दें ऐसे, इसको बॉक्स में आपने बंद कर दिया। देखो इस बॉक्स से एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है और इस बॉक्स से एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है और एक कार्बन ये जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब इस कार्बन पे दो हिडन हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, अभी दो बनाए तो दो हिडन हाइड्रोजन। इस कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया, मतलब इस पे तीन हिडन हाइड्रोजन। इस कार्बन ने तीन बॉन्ड बनाए, मतलब इस पर एक हिडन हाइड्रोजन। तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन जो यहां पे हो जाएंगे दो, एक और तीन, सिक्स अल्फा हो जाएंगे। तो एक तो इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस SBR, दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस प्लस सिक्स अल्फा हाइड्रोजन। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है स्ट्रक्चर, चार एटम पे रेजोनेंस चल रहा है प्लस सिक्स अल्फा हाइड्रोजन है। रेजोनेंस एक बड़ा अफेक्ट होता है ऑब्वियसली, बट जरूरी नहीं कि रेजोनेंस हरदम हाइपर कॉन्जुगेशन से ज्यादा बड़ा असर दिखाए। बट जब वो ऑलमोस्ट इक्वल कंपेरेबल स्टेज में होते हैं, बराबर के स्ट्रक्चर बन रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली रेजोनेंस विल बी द बिगर इफेक्ट। यहां देखो, यहां पे रेजोनेंस नहीं है क्योंकि ये जो कार्बन है ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इस पे कोई p ऑर्बिटल नहीं है, इस पे कोई d ऑर्बिटल नहीं है, तो ये रेजोनेंस की कंडीशन ब्रेक हो रही है। ये अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड की कंडीशन यहां पे मीट नहीं हो रही है। तो इस पे मैं देखूं इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये डबल बॉन्ड मैंने यहां डब्बे में बना दिया, बॉक्स में बंद कर दिया। एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तीन बॉन्ड से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब इस पे एक हाइड्रोजन होगा और ये हाइड्रोजन काम का है। इस स्ट्रक्चर में देखें तो इस स्ट्रक्चर में अल्फा हाइड्रोजन दो यहां पर और दो यहां पर, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन, द स्ट्रक्चर इज नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, द टोटल अल्फा हाइड्रोजन आर फाइव अल्फा हाइड्रोजन। इस क्वेश्चन को देखें, इधर भी सेम वही है, एक अल्फा हाइड्रोजन। लेट मी चेक दिस वेदर आई हैव ड्रॉन दैट करेक्टली और नॉट, सी ऑप्शन। ओके बेटा, जो आपकी शीट में क्वेश्चन है उससे ही थोड़ा सा अलग हो गया है, मैंने ड्रॉ करने में थोड़ा प्रॉब्लम कर दी। ये बॉन्ड शीट के अंदर नहीं है सी ऑप्शन में, तो मैं इसको यहां से मिटा देता हूं। नाउ सी दिस, इसको भी मैं एक बॉक्स में मार्क कर देता हूं, CH3, मतलब तीन अल्फा ये हो गए और एक अल्फा ये हो गए, तो एक दो फाइव अल्फा हाइड्रोजन, फाइव अल्फा हाइड्रोजन आर देयर इन दिस स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में दो दो पांच और एक, दो दो चार और एक पांच। लेट मी चेक इट आउट कि सही स्ट्रक्चर है या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं किया स्ट्रक्चर में। बी वाले स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड यहां पर,
एक डबल बॉन्ड यहां पर, एक सिंगल बॉन्ड यहां पर और बना हुआ था, दिस इज देयर। ये बनाना मैं भूल गया था, जो क्वेश्चन है आपके पास। तो 5 3 अल्फा ही हो गए, 5 प्लस 3 अल्फा बराबर टोटल हो जाएंगे 8 अल्फा है। सी वाले स्ट्रक्चर को एक ये नहीं बनाया मैंने यहां पर, बट इससे इसके बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन में है नहीं, इसमें 5 अल्फा रहेगा। इसको देखो तो इसको डब्बे में बंद कर दो, एक अल्फा ही हो गया, इसको भी डब्बे में बंद कर दो, एक अल्फा ही हो गया, दो अल्फा ही हो गए, और ऑब्वियसली दो अल्फा ही हो गए। ओके, सो देयर आर अगेन 5 अल्फा हाइड्रोजन विच आर प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। दो यहां पर, एक यहां पर और दो यहां पर, ठीक है। यहां पर देखें एक अल्फा यहां हो जाए, और यहां पर देखें तो दो अल्फा यहां हो जाए। इस तरीके से आप अल्फा हाइड्रोजन बना सकते हैं। फाइव अल्फा आ रहा है सी और डी में। मैं एक बार इसको और क्रॉस चेक कर लेता हूं कि मैंने वही क्वेश्चन बनाया है जो इधर दिया हुआ है आपके पास। डबल बॉन्ड पहले मार्क्ड है फिर ये। ओके, यस, चौथे इसमें 6 अल्फा है। ओके, लेट अस सी दैट, 1 2 3 4 5 एंड 6, यस। अब कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मैं सोचा स्ट्रक्चर में सेम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जनरली नहीं थे जब मैंने इसको क्रॉस चेक किया था, तो यहाँ पे 6 अल्फा हो गया। अब नाउ यू कैन इजीली कंपेयर, ये स्ट्रक्चर में इट इज स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस प्लस 6 अल्फा हाइड्रोजन देयर, ऑल्दो देयर आर 8 अल्फा हाइड्रोजन इन दिस स्ट्रक्चर, बट द स्ट्रक्चर इज नॉट स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस, बट दिस स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज बाई रेजोनेंस और 6 अल्फा हाइड्रोजन है। दिस स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर, बिकॉज रेजोनेंस अपने आप में एक बड़ा असर है, एक बड़ा फैक्टर है रेजोनेंस अपने आप में। यदि मैं देखूं तो क्योंकि एक्सटेंडेड रेजोनेंस है तो ये भी स्टेबिलिटी काफी ज्यादा दे देगा। तो 6 अल्फा प्लस एक्सटेंडेड रेजोनेंस विल बी ऑलवेज मोर स्टेबल देन 8 अल्फा हाइड्रोजन। यदि यहाँ पे बहुत ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन की संख्या होती तो उस केस में कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता था, वो भी ऐसा कोई डेफिनेट डाटा नहीं होता कि इतने अल्फा हाइड्रोजन हो और इतना रेजोनेंस हो तो उनकी कंपेरिजन की जा सकती है, वो फिर एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है। इसलिए जनरली एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आपको नहीं आएगा जहां पर कि आप रेजोनेंस और अल्फा हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी से के तुलना कर रहे हो आपके इनमें से कौन ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट पे ही पता लग सकता है। नाउ सो वन इज मोर स्टेबल देन सेकंड वन श्योरली बिकॉज देयर आर 8 अल्फा, नाउ देयर आर 6 अल्फा, देयर आर 5 अल्फा एंड देन देयर आर 1 2 3 3 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर। सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल यदि इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। तो आप जानते हो कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो है 1 greater than 2 greater than 4 greater than 3 greater than 5, but आपसे क्वेश्चन में पूछा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, HOH पूछा है आई थिंक, और यदि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा है तो ऑर्डर हो जाएगा 5 greater than 3 greater than 4 greater than 2 greater than 1। so this is how you should solve this question। अल्फा हाइड्रोजन मार्क करने का बेस्ट तरीका यह है कि आप स्ट्रक्चर को सबसे पहले वो बॉक्स में बंद कर लें, बगल में कितने अल्फा हाइड्रोजन उसको आप देखते जाएं, यदि रेजोनेंस भी है साथ में तो उसको भी आप देखें, रेजोनेंस एक बड़ा स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। सो नोट दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन है, इसमें आप इसको एक बॉक्स में बंद कर दें, अल्फा हाइड्रोजन देख लें, एक कार्बन एक कार्बन, एक बॉन्ड से कार्बन जुड़ा है, मतलब तीन हिडन हाइड्रोजन इस पर होंगे, तीन हिडन हाइड्रोजन इस पर होंगे,
और ये अल्फा कार्बन है, ये बात आप जानते हो बिकॉज वो जस्ट बगल में है, डबल बॉन्ड, ये डब्बे से बॉक्स से जुड़ा हुआ कार्बन है अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा, इस पर भी दो हिडन हाइड्रोजन है और इस पर भी दो छुपे हुए हाइड्रोजन है। सो टोटल हाइपर कंजुगेटिंग हाइड्रोजन आर 6 + 4, दैट इज 10, 10 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर। इस स्ट्रक्चर में आप इसको बॉक्स में बंद कर दें, दो अल्फा इधर और दो इधर, तो टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन आर देयर। ऑब्वियसली दिस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू दिस स्ट्रक्चर। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बोले तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से ज्यादा होगा। तो अल्फा हाइड्रोजन आप मार्क कर ले और स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर आपको पता लग जाएगी। कुछ इस तरह से एक क्वेश्चन है, तो आप देखें यहां पे, मुझे जहां तक याद है मैंने ये क्वेश्चन आपको थ्योरी में बताया है, आप इसको मार्क कर लें। 12 अल्फा हाइड्रोजन हुए, 13 स्ट्रक्चर बनेंगे, 13 स्ट्रक्चर, इसको मार्क कर लें टोटल 9 बनेंगे, इसको मार्क कर लें टोटल 6 अल्फा, इसको मार्क कर लें टोटल 6 अल्फा, इसको मार्क कर लें टोटल 6 अल्फा, इसको इसको कंपेयर करें तो ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये CH3 है, ये भी CH3, ये सिस है और ये ट्रांस है, तो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। सिर्फ कंपैरिजन इसकी बचती है 6 अल्फा वाले की। ये मुझे ऐसा याद है कि मैंने आप एक्सप्लेन किया है, फिर भी मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं यदि नहीं किया है तो भी। देखो बेटा, इसका जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का, वो कम आया है। मैं प्रॉबेबल रीजन जो इसका सोचता हूँ कि कम क्यों आना चाहिए, उसका एक कारण ये है कि इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर फ्लो हो रही और ये इधर से इधर मूव हो रहा है। लेकिन यदि आप इन स्ट्रक्चर्स पे देखोगे, बाकी 6 अल्फा वाले में देखोगे, तो वहां पर क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से इधर जा रही है, उसी वक्त इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से इधर आ रही होगी, तो ये क्या हुआ, ये एक तरह से क्रॉस हाइपर कंजुगेशन हो गया। मतलब आपस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो विपरीत दिशाओं से, दो अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे को अप्रोच कर रही है। जब वो दो अपोजिट डायरेक्शन से अप्रोच करेगी तो ये डबल बॉन्ड यहां पर टिक जाएगा, डबल बॉन्ड यहां से मूव नहीं कर पाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहां से मूव नहीं कर पाया तो इसका मतलब क्या होगा, अनस्टेबिलिटी हो जाएगी। तो एक तरीके से क्रॉस हाइपर कंजुगेशन यहां पर दिख रहा है, जबकि बी और सी और सॉरी सी स्ट्रक्चर में क्रॉस हाइपर कंजुगेशन देखने को, वेयर इज दैट स्ट्रक्चर, दिस वन, इस स्ट्रक्चर में क्रॉस हाइपर कंजुगेशन देखने को नहीं मिलेगा, सब कुछ एक ही डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म डायरेक्शन में चल रहा है। आपको नेचुरली ये लग सकता है फिर सर इसमें और इसमें भी क्रॉस हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, बट इसमें अफेक्टिवली नंबर ऑफ स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे हैं, एक पे 10 बन रहे हैं, एक पे 13 बन रहे हैं, 13 बन रहे हैं, तो देयरफॉर दैट विल बी मोर स्टेबल कंडीशन। सो दैट इज द प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन कि क्यों सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, क्योंकि इसमें 13 स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ पे 9 अल्फा है, सो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन, देन इसमें क्रॉस हाइपर कंजुगेशन नहीं है, इनमें क्रॉस हाइपर कंजुगेशन है, सो दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन, 6 अल्फा 6 अल्फा एंड 6 अल्फा, बट इसमें क्रॉस हाइपर कंजुगेशन नहीं है, इन दोनों स्ट्रक्चर में क्रॉस हाइपर कंजुगेशन प्रेजेंट है। अब एक बात और देखो, यहाँ पे ये ट्रांस है, ट्रांस पर रिपल्शन कम होता है, ये सिस है, सिस पर रिपल्शन ज्यादा होता है, देयरफॉर यू विल सी दैट कि यहाँ पर जो है आपको स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी, यहां पर स्टेबिलिटी आपको कंपैरेटिवली कम मिलेगी। ओके, एक क्वेश्चन और,
सी वाला क्वेश्चन है। तो अगेन दिस इज अ इजी क्वेश्चन, मतलब यहां भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप डब्बे में मार्क कर दें, एक कार्बन इधर कनेक्टेड है तो दो हाइड्रोजन इधर हो गए और एक अल्फा हाइड्रोजन इधर हो गया, तो तीन अल्फा है यहाँ पे। और यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही आपने देखा है तीन तीन छः और दो यहाँ पर, तो टोटल कितने हो गए 10 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ पर टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ऑब्वियसली दिस इज मोर स्टेबल देन दिस वन, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसका ज्यादा होगा उस स्ट्रक्चर से। तो जो आपने क्वेश्चन पूछा था One more question that I have to discuss that you have asked me is regarding heat of combustion. तो heat of combustion वाले question की यदि मैं आपसे बात करूं तो आप लोग लिख सकते हो बेटा heat of combustion is inversely proportional to stability when number of कार्बन एटम्स आर इक्वल, व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम आर इक्वल। जब कार्बन एटम की संख्या बराबर होती है तो उस समय हीट ऑफ कंबस्टन जो है वो अकॉर्डिंग विद द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होता है। मैं एक क्वेश्चन आपको बताता हूं, जैसे मान लो बेटा ये क्वेश्चन बना दिया मैंने, ये और यदि किसी ने पूछा कि इसमें हीट ऑफ कम्बशन किसका ज्यादा है, तो आप देखो चारों स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ कार्बन बराबर है, पर इधर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। आप देखो हर एक स्ट्रक्चर में हर कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यदि इसको देखो तो इसमें एक हिडन हाइड्रोजन हो जाएगा, ये मिथाइल ग्रुप है, तो ये चार सिग्मा बॉन्ड है, नो लोन पेयर, तो sp3 हो गया, सब दूर sp3 है। अब आप जानते हो कि sp3 का जो नॉर्मल बॉन्ड एंगल होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है 109 डिग्री 28 मिनट 28 मिनट 109 डिग्री, और फिलहाल यहां पे बॉन्ड एंगल है 60 डिग्री का। तो इस एक एंगल पर स्ट्रेन आएगा अप्रोक्सीमेटली 49 डिग्री का, तो तीन एंगल पे स्ट्रेन आएगा लगभग अप्रोक्सीमेटली 150 डिग्री का। अब ये स्ट्रक्चर पर स्ट्रेन सबसे ज्यादा है, इसलिए स्ट्रक्चर हरदम खुलने की कोशिश करता रहेगा। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि साइक्लोप्रोपेन जो है वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की तरह बिहेव करता है, मतलब इट हैज अ स्ट्रांग टेंडेंसी टू ओपन अप बिकॉज ऑफ हैवी अमाउंट ऑफ द स्ट्रेन दैट इज जनरेटेड ऑन द स्ट्रक्चर। यदि आप यहां पे सोचो तो हर एंगल पर अप्रोक्सीमेटली 19 डिग्री का स्ट्रेन है, 109 माइनस 90 डिग्री, देयर इज अप्रोक्सीमेटली 19 डिग्री आ जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 90 डिग्री, क्योंकि एंगल 90 डिग्री का है यहां पे, तो 19 डिग्री का स्ट्रेन आया, तो चार पे अप्रोक्सीमेटली 76 डिग्री का स्ट्रेन है। मैं अराउंड फिगर में 80 डिग्री का स्ट्रेन ले लेता हूं। यहां पे देखो साइक्लोपेंटेन का नॉर्मल बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 108 डिग्रीज, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो एंगल है वो है 109 डिग्रीज, तो इसमें स्ट्रेन काफी कम है। साइक्लोहेक्सेन में ये बॉन्ड एंगल कितना दिख रहा है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का दिखेगा, नॉर्मल एंगल होता है 109 डिग्री का, तो यहां भी स्ट्रेन होना चाहिए, बट साइक्लोप्रोपेन में साइक्लोहेक्सेन में स्ट्रेन नहीं होता है। ये आगे जाके आइसोमेरिज्म जब खत्म होगा तब मैं आपको बेयर स्ट्रेन थ्योरी के बारे में बताऊंगा, उसमें यही बातें रिपीट करूंगा जो मैं अभी आपसे बोल रहा हूं। तो आप देखें यहां पर स्ट्रेन होना चाहिए पर स्ट्रेन नहीं होता है, क्योंकि साइक्लोप्रोपेन प्लेनर स्ट्रक्चर ना होकर नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, और वो अपने आप को अपने प्लेन से बदल लेता है जिससे कि उस पर स्ट्रेन कम हो जाए। तो उस केस में साइक्लोप्रोपेन चूंकि नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है अपने प्लेन को बदल लेगा, और बदलने के बाद वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहा हूं अमंगस्ट ऑल दीज फोर स्ट्रक्चर, इसका मतलब जो स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है इन सभी स्ट्रक्चर में वो है साइक्लोहेक्सेन। तो दिस स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, तो इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे कम आएगा। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन यदि देखोगे तो 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3 ग्रेटर देन 4 आएगा, सिंस द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ऑल फोर स्ट्रक्चर्स इज इक्वल।